भारत पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी विवाद के बीच पाकिस्तान हुआ चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर। अब इस देश में खेली जाएगी चैंपियंस ट्रॉफी। टीम पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी खेलने को लेकर आईसीसी उठाएंगे बड़ा सख्त कदम। जी हां दोस्तों, आखिरकार भारत पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी विवाद को लेकर किस तरह से पाकिस्तान हुआ चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर, बताएंगे आपको आज की इस खास वीडियो में आगे। लेकिन इससे पहले आप भी हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फैन तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक कर दीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, पाकिस्तान की मेजबानी में साल 2025 में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी खेली जानी है, जिसकी तैयारियां काफी जोरों शोरों से चल रही है। हालांकि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई ने भारतीय टीम को आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी खेलने पाकिस्तान जाने से इनकार कर दिया है, जिसके बाद यह विवाद और भी गर्माता जा रहा है। इससे पहले पाकिस्तान की मेजबानी में खेले गए एशिया कप के दौरान भी कुछ ऐसा ही वाकया देखने को मिला था, जब भारतीय टीम ने पाकिस्तान जाकर एशिया कप खेलने से इनकार कर दिया। हालांकि इसके बाद पाकिस्तान और श्रीलंका की मेजबानी में एशिया कप का आयोजन कराया गया, जहां भारतीय टीम ने अपने सभी मुकाबले श्रीलंका में खेले और एक बार फिर से यही कुछ होता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें कि अब भारत और पाकिस्तान के विवाद को लेकर पाकिस्तान से आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी छीनी भी जा सकती है। हालांकि इसके बाद श्रीलंका और यूएई की मेजबानी में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी को आयोजित कराया जा सकता है। अगर पाकिस्तान से आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी छीनती है तो पाकिस्तान भी फिर आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी को बॉयकॉट कर सकता है, यानी पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर होता हुआ भी नजर आ सकता है। दोस्तों, आपके मुताबिक क्या वाकई आईसीसी को पाकिस्तान से चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी छीननी चाहिए या नहीं, आप अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताएं। आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद।